मियाँ दुनिया में इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। दुनिया में अगर कोई किसी के लिए रोया है तो सिर्फ आंसू बहा बहा के मैं कुर्बान जाऊं, मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए जब भी रोया है खून के आंसू रोया है। हाँ हाँ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रोए थे सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी औलाद के लिए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रोए थे सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी औलाद के लिए। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इतने रोए आंखों से भी हाथ धो बैठे, मेरे अल्लाह ने आंखों से नवाजा। फिर हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रोए आंखें फिर जाती रहीं, मेरे अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरा शुएब तू इतना क्यों रोता है? अगर तू जहन्नम के खौफ से रोता है, मैं रब होकर वादा करता हूँ जहन्नम तुम पे हराम करता हूँ, और अगर तू जन्नत के लिए रोता है, मैं रब होकर वादा करता हूँ सारी जन्नत ही तेरे नाम करता हूँ। ओ मेरे शुएब अब तो चुप हो जा, ओ मेरे शुएब अब तो चुप हो जा। शुएब की चीखें और बुलंद होना शुरू हुई, शुएब रो कर कहने लगे, ओ मेरे करीम रब तू तो जानता है, तेरा शुएब ना तो जहन्नम के खौफ से रोता है, तेरा शुएब ना तो जन्नत की लालच के लिए रोता है, ओ मेरे करीम रब तेरा शुएब तो बस इसलिए रोता है कि तू राजी हो जा। 1,24,000 रसूलों और पैगंबरों में से हर एक नबी रोया है, अपनी औलाद के लिए रोया है, अपनी जात के लिए रोया है। हाय मैं कुर्बान ना जाऊं अपने करीम नबी के नाम पे, कि मेरा नबी जब भी रोता है उम्मत के लिए रोता है। और कयाम में है तो उम्मत याद है, रुकू में है तो उम्मत याद है, और मेरा नबी सजदे में है तो उम्मत याद है, सुबह है तो रब्बी हबली उम्मती जुबान पे है, शाम है तो रब्बी हबली उम्मती जुबान पे है। ओ हुजूर के जिक्र की महफिल सजाने वालों, ओ कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला भी मिलेगा जो कहे, ऐ मेरे उम्मती कांटा तेरे पैर में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता है, कांटा तेरे पैर में चुभता है, तकलीफ मैं मोहम्मद।